हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखा स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन फ्राई। बैगन फ्राई बनाने के लिए पहले बैगन लेंगे साफ करके और इसे कट करेंगे। ये लंबा वाला बैगन है, इसे तीन भाग में हम लोग कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कट करना है और डंठल को हम लोग पीछे का डंठल इस तरह से छीलकर इसे निकाल देंगे। इसे इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब बैंगन को हम लोग स्लाइस में कट करेंगे। स्लाइस में कट करने के लिए पहले एक टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से काटेंगे। फिर इसे दूसरी साइड से भी इसका एक स्लाइस हम लोग कट करेंगे। देखिए इस तरह से एक टुकड़े का तीन स्लाइस निकलेगा। इसी तरह से सारे बैंगन को हम लोग कट कर लेंगे। देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, सारे बैंगन हमारे कट हो गए हैं। इस तरह से कट करने के बाद अब हम लोग इसका मसाला तैयार करेंगे। यह है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हम लोग और मसाले डालेंगे। यह है हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्चा पाउडर आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच से भी कम डालेंगे। यह है धनिया आधा छोटी चम्मच और इसमें हम लोग अब सब्जी मसाला डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, यह है खुशबू का सब्जी मसाला, इसे भी हम लोग एक छोटी चम्मच डाल देंगे। अब इसे हम लोग अच्छे से पानी से पेस्ट बनाएंगे, मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ हमें नहीं डालना है, जिससे मसाला हमारा पतला हो जाएगा, पेस्ट इसका पतला हो जाएगा। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग मिक्स करते हुए एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। हमें इस तरह से पेस्ट तैयार करना है। अब हम लोग पैन गर्म करेंगे। पैन गर्म होने के बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म होगा तो उसके बाद हम लोग बैंगन के स्लाइस के ऊपर इस तरह से मसाला लगाएंगे और इसे डाल देंगे पैन में। फिर उल्टी साइड भी हम लोग मसाले को अच्छे से फैलाकर बैंगन के ऊपर लगा देंगे, मसाले की कोटिंग कर देंगे। इसी तरह से सारे बैंगन के स्लाइस को हम लोग मसाला कोटिंग करके इसे फ्राई करेंगे। इसे हम लोग धीमी ही आग में फ्राई करेंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाएगा और अच्छी खुशबू आ रही है इससे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा धीरे धीरे पकने से। इसके ऊपर बैगन के ऊपर भी अच्छे से मसाले लगा देते हैं।
इसी तरह सारे बैंगन के ऊपर हम लोग मसाले लगाएंगे और उसे फ्राई करेंगे। इसे अब हम लोग छिलके वाले बैंगन पीछे साइड हम लोग उसका छिलका उतार के भी बना सकते हैं, जिससे मसाले इसमें अच्छे से मसाले का स्वाद अच्छे से इसमें आएगा बैंगन में। और इसे ढक देंगे। अब इस बैंगन को हम लोग पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है बैंगन एक साइड से, इसे दूसरी साइड भी इसी तरह फ्राई करेंगे। इसे फिर वापस हम लोग ढक देंगे, जिससे ये दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाएगा, फ्राई हो जाएगा। 5 मिनट ढक कर पकाने के बाद हम लोग इसे फिर वापस चेक करेंगे। बीच बीच में तेल हम लोग इधर उधर पैन हिलाकर करते रहेंगे। ये देखिए हमारा बैंगन फ्राई हो गया है, दोनों साइड अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसे हम लोग अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये पक गया है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे दबाकर इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।